हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम टू आवर चैनल। आई होप यू ऑल आर वेल। तो आज के वीडियो में हम लोग लाइब्रेरी बजट टॉपिक को डिटेल वाइज डिस्कस करने जा रहे हैं। ये जो टॉपिक है आपका आरपीएससी, ईएमआरएस, यूजीसी, नेट सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और इसका प्रॉपर नोट्स बनाइएगा। आज के वीडियो में ओनली हम लोग थ्योरी पार्ट डिस्कस करेंगे। इसका जो नेक्स्ट वीडियो होगा हम लोग उसमें क्वेश्चन पार्ट को देखेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि बजट क्या होता है। तो बजट का मतलब होता है कि एक फाइनेंशियल प्लान, जो कि किसी भी एक इंडिविजुअल का हो सकता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी गवर्नमेंट का, कि वो कितना अपने पैसे को कितना खर्चा करेगा, कितना वो कमाएगा और उस उतना ही कितने पैसे को वो क्या करेगा, खर्चा करेगा किसी स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में। क्या वो कितने मंथली में कितना खर्चा कर रहा है, कितना मंथली में वो कमा रहा है, कितना खर्चा कर रहा है या एनुअली, तो इसका वो क्या करेगा, एक प्लान बना लेगा। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बजट। कि बजट का सिंपली मतलब आपको समझना है कि एक टाइप का क्या है, फाइनेंशियल प्लान है। अब बजट के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं जो कि हम लोग को लाइब्रेरी साइंस में डिस्कस करना है। सबसे पहला आता है आपका लाइन बजटिंग, लमसम बजटिंग, फार्मूला बजटिंग, परफॉर्मेंस बजटिंग, प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजटिंग और जीरो बेस्ड बजटिंग। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि लाइन बजटिंग क्या होता है। लाइन बजटिंग एक सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ बजटिंग सिस्टम होता है, जिसमें क्या करते हैं, हम एक्सपेंडिचर को, जो हमारा खर्चा है, उसको अलग अलग कैटेगरीज में बांट देते हैं। कि हमारा जो सैलरी आया है उससे हम लोग को क्या क्या हम लोग के बुक्स पे खर्चा हो रहा है, क्या क्या पीरियडिकल पे, क्या कितना हम लोग को स्टाफ को देना है, ये सारा चीज़ का क्या करेंगे हम एक लाइन वाइज क्या करेंगे, एक रिकॉर्ड बना लेंगे। इसमें क्या होता है कि हम पहले का भी खर्चा देखते हैं कि पहले हम लोगों ने कितना किया था और अभी हम कितना कर रहे हैं, तो पास्ट का भी क्या करते हैं, खर्चा इसमें हम लोग देखते हैं। तो लाइन आइटम बजटिंग का सिंपल मतलब यही होता है कि बजट को क्या करें, आप कैटेगरी वाइज बांट करके, उसको एक टेबल वाइज बांट करके आप अपना पूरा चार्ट बना रहे हैं, एक प्लानिंग कर रहे हैं कि हम लोग को किस पे कितना खर्चा करना है। अब आता है लमसम बजटिंग। लमसम बजटिंग का मतलब ये होता है कि आप क्या कर रहे हैं कि आपको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ क्या किया गया है, मनी एलोकेट कर दिया गया। अब लाइब्रेरी खुद डिसाइड करेगी कि उस पैसे को उसको किस किस कैटेगरीज में खर्चा करना है। जैसे कि हम लोग को पॉकेट मनी मिलता है, तो हम लोग को जब घर से पॉकेट मनी मिल जाता है तो उसके बाद हम लोग डिसाइड करते हैं कि उस पैसे का हम लोग को कहाँ कहाँ कितना कितना खर्च करना है। तो उसी तरीके से लमसम बजटिंग में होता है कि आपको क्या किया जाता है, कुछ अमाउंट लाइब्रेरी के नाम पर एलोकेट कर दिया जाता है। अब जो उसके एचओडी हैं या तो जो लाइब्रेरियन है वो डिस्कस करते हैं कि इस पैसे को उसको किस कैटेगरी में कितना, पीरियडिकल कितना, बुक्स किस पे कितना खर्चा करना है। फिर आता है आपका फार्मूला बजटिंग। फार्मूला बजटिंग का मतलब होता है कि एक आपका पहले से एक स्टैंडर्ड तय किया हो गया है कि हमको इतना ही पैसा किताब पे खरीदना है, खर्च करना है। इतना बजट आया हुआ है, 1.5 लाख का, 3 लाख का बजट आया हुआ है और आपके लाइब्रेरी में आपको क्या करना है, 3-4 सेक्शन में आपको खर्चा करना है। तो आप उसको क्या कर रहे हैं, पहले से ही तय है कि इतना ही अमाउंट क्या करना है आपको अपने हर डिपार्टमेंट को देना है। तो उसके हिसाब से क्या कीजिएगा, आप बुक को या तो कम कर दीजिएगा, या तो जो सस्ती बुक्स है उसको क्या कर दीजिएगा, क्वांटिटी में ज़्यादा कर दीजिएगा, और जो महंगी बुक्स है उसको क्वांटिटी में कम कर दीजिएगा। मतलब आप किसी तरीके से कुछ करके आप उतना ही बजट ला दीजिएगा। तो फार्मूला बजटिंग में यही होता है कि पहले से एक स्टैंडर्ड तय होता है कि इतने पैसे में ही हमको इतना काम करना है, तो वो क्या कहलाता है आपका, फॉर्मूला बजटिंग। जिस टाइप के नियम लागू हो रखा है उसी टाइप से आप क्या करेंगे, इसमें पैसे को खर्चा करेंगे। अब आता है आपका परफॉर्मेंस बजटिंग। परफॉर्मेंस बजटिंग का ये मतलब होता है कि आपका जो लाइब्रेरी में अलग अलग टाइप का एक्टिविटीज है जिस पे आज तक जितना भी पैसा खर्चा हो रहा है, तो उस खर्चा करने के बाद वो जो एक्टिविटीज है, जो वो काम है, उसका कितना आउटपुट आया है। मान लीजिए कि हम लोगों ने किताब पे कंप्यूटर सेक्शन की बुक है और हम लोगों ने जैसे मान लीजिए कि इंजीनियरिंग में कैडकैम होता है, कैडकैम की बुक पे हम लोगों ने 20% अपने बजट का खर्चा कर दिया, बहुत सारी कैडकैम की हम लोगों ने बुक मंगवाई। अब उसका आउटपुट ये है कि बच्चा क्या कर रहा है, कैडकैम की बुक को यूज़ कर ही नहीं रहा है, पढ़ ही नहीं रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे कि देखेंगे कि पहले का हम लोग का डाटा कैसा है, उस चीज़ पर आउटपुट कैसा है। अगर हम लोग को लग रहा है कि इस चीज़ का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं है, कोई उतना खास आउटपुट नहीं है, इस किताब का यूज़र्स इस बुक को ज़्यादा यूज नहीं करते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, इस बार इस पे खर्चा थोड़ा कम कर देंगे। तो यही होता है परफॉर्मेंस बजटिंग, कि आपका आउटपुट देख के क्या किया जाता है, आपको पैसा दिया जाता है। फिर आता है कि
प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजटिंग सिस्टम PPBS। PPBS में क्या होता है कि आपका जो प्रोग्राम है इसमें क्या होता है, मेन प्लानिंग पे फंक्शन किया जाता है, मोर फोकस किस पे किया जाता है, प्लानिंग पे। प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजटिंग सिस्टम जो है US डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस बाय रैंड कॉरपोरेशन के द्वारा दिया गया है। उसमें जो साइंटिस्ट थे किनके द्वारा दिया गया है, रॉबर्ट MC नॉर्मा, कब, तो 1961 में। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, मेनली यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि PPBS का पहला तो फुल फॉर्म पूछा जाएगा, दूसरा आपसे कब आया है, फिर किसके द्वारा दिया गया है, तो ये याद रखना है रॉबर्ट MC नॉर्मा। और बहुत बार एक साइंटिस्ट का नाम नहीं पूछा जाता तो रैंड कॉरपोरेशन, ये भी याद रखना है कि रैंड कॉरपोरेशन के द्वारा दिया गया है, जो कि US डिपार्टमेंट का डिफेंस सिस्टम के द्वारा है। तो ये भी याद रखना है, ये 3 पॉइंट्स आपको PPBS से याद रखना है। अब समझते हैं कि PPBS का मतलब क्या होता है। तो PPBS का मतलब ये होता है कि जब आप किसी भी बजटिंग सिस्टम का क्या किए, प्रोग्राम बना ले कि ये सारा चीज आपको खर्चा करना है किस तरीके से। जैसे प्रोग्राम बजटिंग में हो रहा था कि आपका आउटपुट देख रहे थे, सेम वही चीज, लेकिन इस बार क्या करना है, आपको अपने बजट का प्लानिंग करना है कि आपको इस तरीके से आप खर्चा कीजिएगा। मतलब आप कैटकम की बुक पे 20%, फिर उसके बाद सिविल इंजीनियरिंग की बुक्स पे 30%, फिर अगर मान लीजिए कि आपके कॉलेज में मैकेनिकल ब्रांच में कम बच्चे और ये बुक्स ही ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, तो उस पर इतना बजट एलोकेट करना है। आपको लिटरेचर की बुक्स पे खर्चा करना है, बच्चों को लाइब्रेरी की तरफ रुझान लाने के लिए आपको नॉवेल्स पे भी खर्चा करना है। तो ये सारा आप एक प्रॉपर प्लानिंग करके जब आप खर्चा कर रहे हैं अपने उस प्रोग्राम पे, तो वो क्या कहलाता है, PPBS सिस्टम, प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजटिंग सिस्टम, कि आप अपने प्रोग्राम को प्लानिंग करके अपने बजट को उसमें क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, तो ये कहलाता है PPBS सिस्टम। अब जीरो बेस्ड बजटिंग सिस्टम, ये सिस्टम बहुत ही इजी सिस्टम है। ये सिस्टम पीटर फायर के द्वारा दिया गया था 1970 में। नॉर्मल सा ये बजट क्या है कि आपका कोई भी पास्ट का नहीं देखता है कि आपने पास्ट में किस एक्टिविटी पे कितना खर्चा किया है। पहले से जो डिटरमाइंड है कि आपका इस चीज़ पे इतना पैसा खर्चा होना है, तो हर बार आपको क्या होगा, उतना ही पैसा मिलेगा। कोई भी कुछ भी ये नहीं देखा जाएगा कि इस पे इतना खर्चा करने पे कितना मतलब आउटपुट हो रहा है। ये एक टाइप का फ्रेश बजट है जिसमें कि करंट टाइम का देखा जाएगा और आपको उसी के हिसाब से क्या किया जाएगा, पैसा दिया जाएगा। तो बहुत बार एक क्वेश्चन आता है कि एक फ्रेश बजट किसको कहते हैं, तो जीरो बेस बजटिंग सिस्टम को किसने दिया है, पीटर फायर ने। कब दिया है, तो 1970 में। कौन से बजटिंग सिस्टम में हम लोग पास्ट का खर्चा नहीं देखते हैं, तो जीरो बेस बजटिंग सिस्टम है। तो ये सारा कुछ हम लोग को याद रखना है। अब देखिए, डॉक्टर SR रंगनाथन के द्वारा लाइब्रेरी का कुछ स्टैंडर्ड तय किया गया है कि लाइब्रेरी में इतना खर्चा होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कि यूनिवर्सिटी का जो लाइब्रेरी है, यूनिवर्सिटी का बजट आया। यूनिवर्सिटी का बजट आने के बाद यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में बजट का 50% स्टाफ पे खर्चा होगा, बुक्स और जो अदर रीडिंग मटेरियल्स है वो उस पर 40% खर्चा होगा और मिसलेनियस पे 10% खर्चा होगा। तो ये लाइब्रेरी स्टैंडर्ड जो है डॉक्टर SR रंगनाथन के द्वारा तय किया गया था। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है कि जो स्टैंडर्ड तय किया गया था और डॉक्टर SR रंगनाथन के द्वारा, उसमें स्टाफ पे कितना खर्चा करना है, बुक्स पे कितना खर्चा करना है, मिसलेनियस चीज पे कितना खर्चा करना है, तो ये परसेंटेज याद रखिएगा। अब देखिए, हम लोग को क्या करना है कि मेथड ऑफ इवोल्यूशन आता है कि हम लोग जिस तरीके से पैसा खर्चा कर रहे हैं उसका किस टाइप से हम लोग को पैसा खर्चा करना है। देखिए, इस मेथड ऑफ इवोल्यूशन में दो मेथड आता है, पर कैपिटा मेथड और प्रोपोर्शनल मेथड। पर कैपिटा मेथड का मतलब ये होता है कि एक मिनिमम अमाउंट जो क्या किया जाता है, पर हेड को फिक्स कर दिया जाता है पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, और उतना ही पैसा क्या करना पड़ता है, लोगों को देना पड़ता है। जैसे कोठारी कमीशन आया था 1964 से 66 के बीच में, उन्होंने क्या कहा था कि 25 रुपये जो है पर स्टूडेंट को देना पड़ेगा और टीचर्स को कितना देना पड़ेगा, 300 रुपये। UGC जो आई थी 1957 में, जो कि चेयरमैनशिप किसके द्वारा हुआ था, डॉक्टर SR रंगनाथन के द्वारा, उसमें ये बोला गया था कि 15 रुपये पर स्टूडेंट और 200 रुपये पर टीचर को देना है। उसके बाद डॉक्टर SR रंगनाथन के द्वारा ये कहा गया था कि यूनिवर्सिटी और जो कॉलेज लाइब्रेरी है उसको 20 रुपये पर स्टूडेंट, 300 रुपये पर टीचर, और पब्लिक लाइब्रेरीज में पर 50 पैसा पर जो जितने लोग इनरोल हो रहे हैं उनको 50 पैसा पर कैपिटल एक्सपेंडिचर होना चाहिए। तो ये है पर कैपिटा मेथड,
प्रपोर्शन मेथड में क्या होता है कि बजट का कुछ प्रपोर्शन मतलब कुछ पार्ट क्या करना है, लाइब्रेरी पे खर्चा करना है। जैसे राधा कृष्णन कमीशन जो है 1948 से 1949 के बीच में आई, इनका कहना था कि टोटल जो यूनिवर्सिटी का बजट है उसका 6.25% क्या होना चाहिए, लाइब्रेरी पे खर्चा होना चाहिए। नेक्स्ट ऑल इंडिया लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस जो है 1968 में जो आई, उनका क्या रिकमेंडेशन था कि टोटल जो खर्चा हो रहा है उसका 6-10% क्या होना चाहिए, लाइब्रेरी पे खर्चा होना चाहिए। सेम डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी का कहना था कि 6-10% जो है टोटल जो बजट का किस पे खर्चा होना चाहिए, पब्लिक लाइब्रेरीज पे। तो ये है मेथड ऑफ इवोल्यूशन था जिसमें हम लोगों ने पर कैपिटा और प्रोपोर्शन मेथड को पढ़ा। उसके बाद कुछ टर्म्स हैं जिसको हम लोग को याद रखना है, ये टर्म्स भी एग्जाम में बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, डायरेक्ट इसका मतलब पूछा जाता है, तो इस टर्म्स को भी आपको याद रखना है। जैसे पहला टर्म आता है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, जिसको शॉर्ट में CBA बोला जाता है। CBA का ये मतलब होता है कि आप जितना खर्चा कर रहे हैं, मान लीजिए कि आपने किसी भी चीज़ पे 10 रुपये खर्चा किया, अब 10 रुपये खर्चा करने के बाद आपको आगे जाके उस चीज पे कितना बेनिफिट है। मान लीजिए कि मैंने अपनी लाइब्रेरी में 2 कंप्यूटर मैंने अपने बजट से मैं लेके आई और उस 2 कंप्यूटर लाने में मेरा 80,000 का खर्चा हो गया। बाद में उस 2 कंप्यूटर से मुझे क्या बेनिफिट है, बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, मेरा सारा काम फटाफट होगा, मेरा लाइब्रेरी डिजिटलाइज्ड हो जाएगा, यूज़र्स ज़्यादा आएंगे, बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा के सिस्टम को यूज़ करने के बहाने ज़्यादा से ज़्यादा लाइब्रेरी में एंट्री करेंगे। तो ये सारा चीज़ क्या होता है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, कि हम लोग जिस प्रोजेक्ट पे जितना पैसा खर्चा कर रहे हैं उससे हम लोग को कितना बेनिफिट मिल रहा है, ये जब हम लोग किसी ग्राफिक मेथड से देखते हैं, इवेल्युएट करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, मतलब खर्चा करने पे आपको कितना बेनिफिट मिल रहा है। फिर आता है कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस। मान लीजिए कि मैंने कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस का मतलब होता है कि जब आप किसी चीज़ पे खर्चा करते हैं, खर्चा करने के बाद आपका उस चीज से कितना बदलाव आया। जैसे मान लीजिए कि जैसे अभी मैंने पिछला आपको जो एग्जांपल दिया कि मैंने अपनी लाइब्रेरी में 2 कंप्यूटर लेके आई और 80,000 रुपये उसके लगे, उससे मेरे ऑर्गेनाइजेशन जो मेरी लाइब्रेरी है उस पर क्या इफेक्ट पड़ा। मेरी लाइब्रेरी पर ये इफेक्ट पड़ा कि मेरी लाइब्रेरी और अपग्रेड हो गई, मेरी लाइब्रेरी और डिजिटलाइज्ड हो गई, यूजर्स ज़्यादा आने लग गए, तो ये क्या होने लग गया कि कॉस्ट मतलब मेरे ऑर्गेनाइजेशन पे, मेरे मैनेजमेंट पे क्या हुआ, अच्छा इम्पैक्ट पड़ा। तो ये जो इफेक्टिवनेस होता है यही क्या दिखलाता है, कॉस्ट इफेक्टिवनेस एनालिसिस। जब हम लोग अपने कॉस्ट से बेनिफिट देखते हैं कि हम लोग का क्या क्या बेनिफिट हुआ है, तो वो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। जब हम देखते हैं कि खर्चा करने के बाद हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कितना अच्छा चेंजेस आया, क्या क्या इफेक्ट पड़ा, क्या क्या नया नया इम्पैक्ट पड़ा, तो वो हो जाता है कॉस्ट इफेक्टिवनेस एनालिसिस। कॉस्ट फिजिबिलिटी एनालिसिस, कॉस्ट फिजिबिलिटी जिसको हम लोग CFA बोलते हैं, इसका मतलब ये होता है कि आपके पास मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट है, मान लीजिए कि आपको बोला गया कि आप लाइब्रेरी में 15-20 कंप्यूटर ला दीजिए, तो आप ये सोचिएगा कि क्या मेरा इतना खर्चा करना इस चीज़ पे सही है कि नहीं है। तो जो एक कॉस्ट फिजिबिलिटी एनालिसिस का मतलब ये होता है कि आप अपने जिस प्रोजेक्ट पे जितना खर्चा कर रहे हैं वो उतना खर्चा करना उचित है कि नहीं, ये चीज़ ही देखना क्या कहलाता है, कॉस्ट फिजिबिलिटी एनालिसिस। फिर आता है कॉस्ट यूटिलिटी एनालिसिस। कॉस्ट यूटिलिटी एनालिसिस का मतलब ये होता है कि आप जितना खर्चा किए हैं अभी तक में, तो उससे क्या हो रहा है, क्या इफेक्ट आ रहा है, क्या आपको बेनिफिट हो रहा है, तो एक क्वांटिटेटिव और एक क्वालिटेटिव जब आपको डाटा मिल जाता है तो वो क्या कहलाता है, कॉस्ट यूटिलिटी एनालिसिस। तो हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि आज के वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने बजट का मतलब समझा कि ये एक टाइप का क्या है, फाइनेंशियल प्लान है। उसके बाद हम लोगों ने टाइप्स ऑफ बजटिंग पढ़ा कि 6 टाइप के हमारे बजटिंग सिस्टम है। लाइन आइटम बजटिंग में क्या होता है, सिंपली समझना है कि सारे चीज़ों को क्या करते हैं, हम कैटेगरी वाइज बांट देते हैं। लमसम बजटिंग में हम लोग को पैसा दे दिया जाएगा, उसके बाद हम लोग खुद डिसाइड करेंगे कि हम लोग को किस चीज़ पर कितना खर्चा करना है। फार्मूला बजटिंग में पहले से एक स्टैंडर्ड तय कि इस चीज़ पर इतना ही खर्चा करना है, हम लोग उतना ही खर्चा करेंगे। परफॉर्मेंस बजटिंग में हम लोग का आउटपुट देख के हम लोग क्या करेंगे, उस पर फिर पैसा खर्चा करेंगे। फिर उसके बाद
पीपीबीएस सिस्टम किसके द्वारा दिया गया है? तो यूएसडीओडी रैंड कॉरपोरेशन रॉबर्ट एमसी नॉर्मा के द्वारा 1961 में। इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले बजट प्लानिंग करेंगे अपने प्रोग्राम को, जो भी हमारा प्रोग्राम है उस पर पहले हम लोग प्लानिंग करेंगे, फिर हम लोग देखेंगे कि किस टाइप से हम लोग को खर्चा करना है। तो ये क्या कहलाता है, पीपीबीएस सिस्टम। जीरो बेस बजटिंग पीटर फायर के द्वारा दिया गया 1970 में। इसमें हम लोग पास्ट का कुछ नहीं देखेंगे, ये एक टाइप का करंट बजट होता है और ये हमेशा स्टार्टिंग से स्टार्ट होता है। उसके बाद मेथड ऑफ इवोल्यूशन में पर कैपिटा मेथड में कोठारी कमीशन का देखेंगे। इसमें 25 रुपये पर स्टूडेंट, 300 पर टीचर। यूजीसी के द्वारा 15 रुपये स्टूडेंट, 200 रुपये पर टीचर। डॉक्टर एस आर रंगनाथन के द्वारा 20 रुपये पर स्टूडेंट, 300 रुपये पर टीचर। प्रोपोर्शन मेथड में 6.25% जो राधा कृष्णन कमीशन के द्वारा यूनिवर्सिटी का जो बजट है वो लाइब्रेरी में खर्च होना चाहिए। फिर डॉक्टर एस आर रंगनाथन के द्वारा 6-10% टोटल बजट किस पे खर्चा होना चाहिए, पब्लिक लाइब्रेरी पर्पसेस में। उसके बाद हम लोगों ने लाइब्रेरी स्टैंडर्ड पढ़ा, जिसमें 50% स्टाफ बुक्स पे, 40% मिसलेनियस, 10%। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस का मतलब हम लोग जितना खर्चा कर रहे हैं जिस प्रोजेक्ट पे उससे हम लोग को कितना बेनिफिट हो रहा है, जितना हम लोगों ने खर्चा किया उससे हमारे मैनेजमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ा, जितना हम लोग जिस प्रोजेक्ट के बारे में जो खर्चा करने का सोच रहे हैं क्या वो हम लोग का खर्च करना सही है, क्या हम लोग को उतना खर्च करना सही है कि नहीं, ये देखना। फिर हम लोग को जितना हम लोगों ने अपने जिस प्रोजेक्ट पे भी खर्चा किया उससे क्या इफेक्ट पड़ा और हम लोग को कितना बेनिफिट हुआ। तो एक क्वांटिटेटिव और एक क्वालिटेटिव डाटा हम लोग को किससे मिलता है, तो कॉस्ट यूटिलिटी एनालिसिस से। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और अगर आप लोग को अभी भी इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट होगा तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैसेज कर सकते हैं या मेरे इंस्टा पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं।